ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी बच्चों को बाबा बहुत शक्तिशाली बनाने आए हैं, इतनी शक्तिशाली कि हम जीवन की हर समस्या और चैलेंज को पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। देखिए, जो भी मनुष्य संसार में महान बने हैं, उन्होंने बाधाओं को तो पार किया ही है। बिना परीक्षाओं को और बाधाओं को पार किए कोई भी महान और शक्तिशाली नहीं बना। जो व्यक्ति एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की ओर देखता है और सोचता है कि इस पर मुझे चढ़ना है, वो ये भी जानता है कि मार्ग में अनेक परीक्षाएं आनी ही हैं। परीक्षाओं का जैसे वो आह्वान करता है, बर्फीले तूफान, स्लिप होने का डर, मृत्यु का डर और अनेक चीजें, बीमारियां, ऑक्सीजन न मिले, हवा न मिले, पानी न मिले, ये सब चैलेंजेज वो स्वीकार कर लेता है। पहले मानो वो उनका आह्वान कर लेता है तो उसमें शक्ति आ जाती है। और यदि मनुष्य सोच ले पहले ही बड़े तूफान होंगे, बहुत ऊंची चढ़ाई है, हमसे नहीं होगा, तो उसकी सारी शक्तियां वहीं समाप्त हो जाती हैं। हम भी बाबा के बने सत्य मार्ग पे चले, पवित्रता का मार्ग चुना, योगयुक्त होने का संकल्प किया, एक अलग मार्ग, दुनिया से हटकर मार्ग, तो दुनिया वाले विरोध करेंगे ही। समझ लें बाबा के मार्ग पे चलना, माना हमने भी चैलेंजेज को आह्वान कर लिया है, हम डरे नहीं, ये सब होगा, दुनिया वाले विरोध करेंगे, प्योरिटी के लिए संघर्ष करना होगा, अपने भी संस्कार कहीं कहीं सामने आड़े आ जाएंगे, परंतु मंजिल हमें मिलनी है। हमें नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी? हमारे साथ स्वयं भगवान है, और जो सीन हमारे मार्ग में आते हैं वे सब समाप्त होने वाले हैं, हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमारा कल्याण करने वाले हैं। ये नशा रख लें, मैं तो विजयी रतन हूँ, बस विजय मेरी निश्चित है। अगर हम ऐसा नशा रखते हैं कि कल कल्प मैंने विजय प्राप्त की है, हजारों बार, 10,000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अनगिनत बार सोच के देखो, तो हमें विजय प्राप्त करना सहज लगने लगता है। हमारी विजय हुई नहीं थी, पिछली बार हार हो गई थी, अब भी हार होगी। यदि कोई मनुष्य ये सोच ले तो समझ लो वो युद्ध से पहले ही हार गया। इसलिए स्वयं की आंतरिक शक्तियों को जागृत करते रहना है। विजय मेरी ही है, और विघ्न और समस्याओं को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, वे आनी ही हैं। हमें ये नहीं भूलना है कि ये कलयुग का अंतिम समय आ गया है, और सभी आत्माओं को अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, चाहे वो मेरा है चाहे वो मेरे हैं। हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हिसाब किताब उन्हें भी चुकतू करने होंगे। यदि सचमुच हम उन्हें मदद करना चाहते हैं तो हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें, हम अपनी योग की शक्तियों को बहुत बढ़ाएं, ताकि हम अपने तो क्या, दूसरों के भी विकर्म विनाश कर सकें। ये होगा उनसे हमारा सच्चा प्रेम। बाकी अपने प्रियजन विघ्नों में घिर गए और हम भी परेशान हो जाएं, इससे दोनों को नुकसान होगा। हम थोड़ा सा डिटैच रहना सीखें, डिटैच होकर उनको मदद करें। यदि हम बहुत अटैचमेंट में रहेंगे तो हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे, ये परेशानियां हमें अपनी शक्तियों को भुला देंगी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक साक्षी भाव में रहने वाला व्यक्ति
कभी भी अपनी शक्तियों को भूलता नहीं है। हम अपनी शक्तियों को भूले नहीं तो आज सारा दिन हम इस सुंदर स्वमान में रहेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प का विजयी और सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। उसका आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे उनका वरदानी हाथ मेरे। ओम शांति।